हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है दोस्तों हमारे इस चैनल में। दोस्तों, जैसा कि वीडियो के थंबनेल देख के आप जान चुके होंगे कि आज मैं आप लोग इस वीडियो में क्या बताने वाला हूँ। जी हाँ फ्रेंड, आज मैं आप लोग इस वीडियो में CSE के बारे में बताने वाला हूँ। अगर दोस्तों आप एक CSE VLE हैं या फिर CSE VLE नहीं है, जी हाँ दोस्तों, अगर आप एक CSE VLE हैं तो आपके लिए भी ये वीडियो महत्वपूर्ण है। अगर दोस्तों आप एक CSE VLE नहीं है तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम सारा प्रोसेस बताएंगे कि आप कैसे CSE का ID पासवर्ड ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए फ्रेंड वीडियो शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसे दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पास में बेल आइकन मिलेगा, उसे भी प्रेस कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड यहाँ देख सकते हैं, अभी हम फ्रेंड यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ दोस्तों हम अभी गूगल क्रोम ब्राउजर में आ गए हैं। जी हाँ फ्रेंड, यहाँ गूगल क्रोम ब्राउजर में आ गए हैं। यहाँ से हम CSE का ऑफिशियल साइट सर्च कर लेते हैं। तो फ्रेंड आप यहां देख सकते हैं, हम अभी CSE का ऑफिशियल साइट सर्च कर लिए। जी हाँ दोस्तों, यहां देख सकते हैं फ्रेंड आप, यहां फ्रेंड आप देख सकते हैं CSE.gov.in। जी हाँ दोस्तों, जो CSE का ऑफिशियल साइट है उसको हम यहां से सर्च कर लिए। तो आप लोगों के सामने दोस्तों कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, उसके बाद फ्रेंड आपको सीधे स्क्रॉल करके नीचे चले जाना है। जैसे ही फ्रेंड आप नीचे चले जाइएगा तो आप लोगों के सामने एक ऐसा इंटरफेस आएगा। फ्रेंड आप यहां देख सकते हैं CSE VLE रजिस्ट्रेशन। जी हाँ फ्रेंड, आपको सिंपल इस वाले आइकन पर क्लिक करना है। जैसे ही फ्रेंड आप इस वाले आइकन पर क्लिक कीजिएगा तो आप लोग के सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। फ्रेंड यहाँ से आपको सिंपली डिस्टर्ब मोड में कर लेना है। दोस्तों आप देख सकते हैं, आप लोग के सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ देख सकते हैं आप लोग को सिंपली यहाँ फ्रेंड VLE रजिस्ट्रेशन। जी हाँ दोस्तों, VLE रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन मिलेगा। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं क्लिक हियर। जी हाँ फ्रेंड, यहाँ क्लिक हियर, तो आपको सिंपली यहाँ क्लिक हियर वाला आइकन पर क्लिक करना है। जैसे ही फ्रेंड आप इस वाले आइकन पर क्लिक कीजिएगा तो आप लोग के सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन। जी हाँ दोस्तों, यहाँ आप लोग के सामने रजिस्ट्रेशन का फॉर्म खुल के आ जाएगा। और दोस्तों यहाँ कुछ इंस्ट्रक्शन दिया है, आप इसको पढ़ भी सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों जैसे ही आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से दोस्तों आपको कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ से दोस्तों आपको VLE सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही फ्रेंड यहाँ से VLE सेलेक्ट कीजिएगा तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं आप लोग के सामने एक नया कंडीशन आ जाएगा, TEC सर्टिफिकेट नंबर। जी हाँ दोस्तों, यानी कि अगर आप अभी CSE लेना चाहते हैं तो आपको TEC सर्टिफिकेट नंबर देना होगा। जी हाँ फ्रेंड, इसके लिए आपको TEC का एग्जाम देख के सर्टिफिकेट नंबर लेना होगा। तो चलिए फ्रेंड, हम आपको बात करते हैं कि आप कैसे TEC का एग्जाम दें और TEC सर्टिफिकेट नंबर पाएं। उसके लिए दोस्तों आप देख सकते हैं इंस्ट्रक्शन में आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके चले जाना है। तो दोस्तों यहां देख सकते हैं, यहां आप लोग के सामने इंटरफेस आएगा TEC क्लिक हियर। जी हाँ दोस्तों, अगर आप TEC का एग्जाम देना चाहते हैं तो सिंपली आपको यहाँ क्लिक करना होगा। जैसे ही फ्रेंड आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो आप लोग के सामने देखिए फ्रेंड कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, आपको एक नया पेज में ले जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं, थोड़ा सा मेरा नेट कनेक्शन स्लो है, इसकी वजह से लेट हो रहा है। तो फ्रेंड देख सकते हैं, यहाँ से आपको एक नया पेज आपके सामने ओपन हो के आएगा। तो दोस्तों आप लोग के सामने कुछ नया पेज इस टाइप से ओपन हो के आएगा। तो दोस्तों उसके बाद फ्रेंड आपको देख सकते हैं, आपको सिंपली यहाँ क्लिक करना है लॉग इन विथ अस वाले आइकन पर। जैसे ही फ्रेंड आप इस आइकन पर क्लिक कीजिएगा तो आप लोग के सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। दोस्तों आप यहां देख सकते हैं, थोड़ा सा मेरा कनेक्शन नेट का स्लो है, इसकी वजह से लेट से लोडिंग ले रहा है। तो फ्रेंड यहां देख सकते हैं, फ्रेंड यहां आप देख सकते हैं लॉग इन विथ CSE कनेक्ट। जी हाँ दोस्तों, यानी कि CSE कनेक्ट के लिए है। और दोस्तों यहाँ देख सकते हैं लॉगिन और रजिस्टर का ऑप्शन आया है। अगर फ्रेंड आप नया कैंडिडेट हैं तो आपको फ्रेंड यहाँ सिंपली रजिस्टर वाला आइकन पर क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों आप रजिस्टर वाले आइकन पर क्लिक कीजिएगा तो आप लोग के सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। जी हाँ दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं, आप लोग के सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ सिंपली आपको अपना नाम फिल करना होगा, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, फादर्स या हस्बैंड या मदर्स नेम। और दोस्तों यहाँ से स्टेट सेलेक्ट करना होगा, डिस्ट्रिक्ट और एड्रेस, और यहाँ से जेंडर सेलेक्ट करके दोस्तों डेट ऑफ बर्थ। और दोस्तों यहाँ से आपको एक अपलोड करना होगा आपको पासपोर्ट साइज फोटो। तो जी हाँ दोस्तों, मैं यहाँ से सारा डिटेल्स को फिल कर लेता हूँ। तो फ्रेंड अगर आप सारा चीज़ फिल करके जैसे सबमिट के सेक्शन पर क्लिक कीजिएगा तो आप लोग के सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। जी हाँ फ्रेंड, आप देख सकते हैं आपको पेमेंट गेटवे के साइड पर ले जाएगा। यहाँ से दोस्तों आपको 1479.72 रुपया का पेमेंट करना होगा। जी हाँ दोस्तों, और उसके बाद दोस्तों यहाँ देखिए पेमेंट का ऑप्शन, आपको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI या भारत QR कोड के जरिए आप पेमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप अभी CSE का ID पासवर्ड लीजिएगा तो आपको फर्स्ट में TEC सर्टिफिकेट नंबर लेना होगा। तो दोस्तों TEC सर्टिफिकेट नंबर के लिए जो CSE की तरफ से जो पेमेंट रखा गया है, तो 1479.72 रुपया रखा गया है, तो आपको ये पेमेंट करना होगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपको पहले एग्जाम देना होगा। जैसे ही आप इसको सबमिट कीजिएगा तो आपको एक लॉगिन आईडी पासवर्ड मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, तो लॉगिन आईडी पासवर्ड मिलेगा फ्रेंड, तो आपको सिंपली देखिए यहाँ से आप अपना यूजर नेम और पासवर्ड डाल के यहाँ से लॉगिन भी कर सकते हैं। जैसे ही दोस्तों आप अपना यूजर नेम और पासवर्ड डाल के लॉगिन कीजिएगा तो फ्रेंड वहाँ आपको एग्जाम देने का ऑप्शन खुल जाएगा। दोस्तों मैं आपको इसलिए पूरा करता हूँ, दोस्तों अगर आप
सीएससी लेना चाहते हैं तो इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और दोस्तों आपको स्क्रीन पर एक नंबर शो हो रहा होगा, उस नंबर पर बात भी कर सकते हैं, उस पर भी आपको सारा डिटेल मिल जाएगा कि आप सीएससी की आईडी पासवर्ड कैसे ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, हैव ए नाइस डे, आपका दिन शुभ हो।